आप सब लोगों को गोपाला जी का नमन। क्या कभी आपने देखा होगा कि एक बल्जिंग सा एक दाना सा एक बड़ा एक सिस्ट टाइप की हो जाती है, एक गांठ टाइप की बन जाती है कहीं माथे में कभी हाथ में, कभी देखा होगा आपने। और फिर उसको छुए तो एक हल्का सा बल्जिंग सा बड़ी पिलपिली सी भी होती है, सॉलिड भी होती है। देखा होगा आपने कि मस्से हो जाते हैं किसी के, काले काले से बड़े, कहीं कोई किसी ऐसी जगह पे हैं जहां दिखाई नहीं दे रहे, तब तो एक अलग बात है, मगर कहीं ऐसी जगह हो जाते हैं जहां दिखाई देने लगते हैं तो फिर बड़े भद्दे से लगते हैं, बड़ा अगली सा लगता है देखने में उसको। आपने देखा होगा कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी चैनल के लिए इनहेलर लेते हैं। एलोपैथी में बड़ा एक कॉमन सा रिवाज है, रेस्पिरेटरी चैनल डिफेक्ट्स है, सीवियर अस्थमिक प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए। वूंड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं बहुत सारे, उनके हीलिंग के लिए बहुत सारे मेडिसिन्स आती हैं। क्या इन सब चीजों के लिए पॉसिबल है कि कोई एक दवा हो, और वो भी एक ऐसी दवा जिसको इन्होंने नाम दिया है हमारी डॉक्टर अलका जी लखनऊ की, आयुर्वेदिक इनहेलर। यूनिक चीज, वास्तव में यूनिक चीज आयुर्वेद जगत में, मैं समझता हूँ जो मेडिसिनल, जो रिसर्च ओरिएंटेड लोग चीजों में जुड़े हुए हैं। मैं इसे जानना चाहूंगा कि क्या ये जो बेसिकली ये देखा जाए आयुर्वेद की देन है ये, या ये एलोपैथी की देन है, कहाँ से चला, कैसे इसको स्टार्ट हुआ, और अगर ये आयुर्वेद में कहीं इस टाइप की चीज आ जाती है इनहेलर, तो मैं समझता हूँ फिर तो बहुत ही पॉपुलर होना चाहिए, और बहुत सारी इससे, और स्पेशली इसलिए कि एक इनहेलर से इतनी तीन चार रोग ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर अलका जी बताएंगे इसके बारे में डिटेल्स में। डॉक्टर अलका जी लखनऊ से हैं, हमारी सहयोगी, और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं आयुर्वेद के ऊपर। डॉक्टर अलका जी सुनिए आप क्या कह रही हैं, और एक रिक्वेस्ट कि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज क्लिक जरूर कर दें, ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। डॉक्टर अलका जी देखिए क्या कहती हैं आपसे, सुनिए। गोपाल सर, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। आप बार बार मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वैसे ये प्रश्न आपने बहुत सही कहा कि एक आयुर्वेदिक इन्हेलर है क्या। इन्हेलर वास्तव में आयुर्वेद का ही पहले बना होगा, लेकिन बाद में सांस को खोलने के लिए, चूंकि आयुर्वेदिक चीज़ें थोड़ी महंगी होती हैं, तो उन्हें और सस्ता करने के चक्कर में लोगों ने केमिकल का प्रयोग शुरू कर दिया। ये जो केमिकल के जो इन्हेलर बनते हैं, केमिकल से जो इन्हेलर बनते हैं जो बाजार में मौजूद हैं, ये अगर सांस को खोलते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। क्योंकि मैंने ये कई लोगों से सुना है जो लोग इनका लगातार प्रयोग करते हैं, मैंने उनसे ये सुना है कि लगातार इसको हम लेते हैं तो फिर इसकी आदत भी पड़ जाती है और कुछ नशा सा महसूस होता है। अब जो भी हो, सबकी अलग अलग टेंडेंसी होती है कि इसको क्या महसूस हुआ कोई दवा खाने से या कोई दवा प्रयोग करने से, सबके ऊपर अलग अलग प्रभाव होता है। इसलिए किसी भी बात को बहुत फैक्ट के साथ, बहुत डिटरमाइंड होकर नहीं कहा जा सकता कि निश्चित रूप से ये नुकसान, यही नुकसान करता है और यही वाला नुकसान इससे होता है, ये तो नहीं कहा जा सकता। खैर, लेकिन ये जो आयुर्वेदिक इन्हेलर है, पहले तो मैंने इसे इन्हेलर के रूप में ही बनाया था, लेकिन इसका कई सारा जो फायदा मैंने और देखा है वो ये है कि मान लीजिए आपके शरीर में गांठ नहीं हो जाती है, मांस के नीचे आपको महसूस होता है गांठ सी है, थोड़ा दाएं बाएं हिल रही है, उसमें कोई दर्द नहीं है। कभी कभी दर्द होता भी है, कभी कभी दर्द नहीं भी होता। उस गांठ को भी ये गला देता है। उस गांठ गांठ पर आप हल्के से लगा दीजिए, ऊपर ये गला देगा। कोई अगर बहुत भारी मस्सा है जो आपके शरीर में बहुत दिनों से है, लेकिन उसको कटवाने में आपको डर भी लगता है, तो आप उस मस्से पर भी इसको थोड़ा सा लगाइए। लेकिन ध्यान इसका रखिएगा कि इसको सिर्फ उस गांठ पर या सिर्फ मस्से पर ही लगाना है, अगल बगल की स्किन पे ना लगाइएगा। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसको जरा सा अगर छू लिया जाए तो उसके बाद काफ़ी देर तक ठंडक महसूस होती रहती है स्किन में, उस जगह जहाँ पर ये टच हो गया है। तो इसलिए इसको प्रभावित स्थल पर ही लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घाव तो ये भर ही रहा है, वाकई घाव भरने में इसका कोई सानी नहीं है। 24 घंटे के अंदर वो घाव जो इतना ऐसा हो कि किसी ने कहा हो कि इस पर टाके लगा दिए जाएं, नहीं तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस घाव पर इसको लगा दिया गया और 24 घंटे में इतनी तेज इसने रिकवर किया कि फिर टाके लगाने का सजेशन देने वाले ने कहा इस पर टाके लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, अगले दिन उसने ऐसा कहा। तो मुझे लगता है कि ये घाव बहुत बढ़िया भरता है और इसको तो होना ही चाहिए हर एक के पास में।
इसका जो मुझे सबसे बढ़िया यूज समझ में आया है वो ये कि आज के प्रदूषण के जमाने में अगर हम सवेरे उठ करके एक एक सांस इसकी ले लें दोनों नाक में गहरी सी सांस, तो उसके बाद सारे दिन एकदम फ्रेश रहेंगे आप, सांस भी खुली रहेगी, कहीं कोई कफ की भी टेंडेंसी होगी तो खत्म हो जाएगी, सॉरी कफ की कोई टेंडेंसी होगी तो खत्म हो जाएगी। और मुझे लगता है इसका प्रभाव टॉन्सिल पे भी पड़ेगा, टॉन्सिल भी खत्म होगा, गले के और रोग भी खत्म हो जाएंगे अगर हम सवेरे इसको एज ए इनहेलर लंबी लंबी दो सांसें ले लें तो। और चूंकि आयुर्वेदिक चीजें नुकसान तो करेंगी नहीं। जी सर, इसमें जो सत डाले गए हैं वो अजवाइन का सत है, कपूर का सत है, बांस का है और पुदीने का भी है। ये चार सत इसमें डाल गए, लेकिन मुझे लगता है इसका नाम त्रिसत ही सबसे अच्छा है। फिलहाल मैंने इसका नाम त्रिसत रखा है, शेष आप लोगों को जो पसंद है वो रखिए। ये देखिए, ये चार दवाइयां हैं, इनकी सहायता से मैं एक ऐसा तेल बनाने जा रही हूँ जो कि किसी भी घाव को बहुत तेज़ रिकवर करता है। पहले तो मैंने इसको इन्हेलर के रूप में बनाया था, लेकिन इसका दूसरा गुण मैंने ये देखा कि किसी भी घाव में अगर वो घाव जल्दी अच्छा नहीं हो रहा है या कोई गांठ है जो जल्दी गल नहीं रही है, तो उसमें आप इसको लगा देंगे ना तो ये बड़ी तेज़ी से घाव रिकवर कर लेती है। ये इन्हेलर तो है ही, साथ में ये घाव को रिकवर करने के लिए बहुत तेज काम कर रही है।